अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हम आपका अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। जेबी की माँ को जेबी पर शक तो पहले ही होता है, मगर चूँकि वो बाप की लाडली होती है इसलिए उसे खुलकर कुछ नहीं कहती, मगर जेबी बेख्याली में राज खोल देती है कि जेबी और उमैर की दोस्ती थी। तब जेबी की माँ जेबी को समझाती है, अब भी सच बता दो, अपनी और सादिया की ज़िंदगी को अजाब ना बनाओ, ऐसा ना हो इंतकाम में चलती हुई सबका नुकसान करवा दो। मगर जेबी के सर पर तो सिर्फ गुस्सा और बदले का भूत सवार होता है। ऐन शादी के दिन उमैर भी आकर जेबी से कहता है, तुम दूसरों की खुशियों में ज़िंदगियों में आग लगाकर कैसे खुश रह सकती हो। मगर जेबी राज खुलने के खौफ से उसे थप्पड़ मारकर निकाल देती है। अब तो सादिया की माँ को यकीन हो जाता है कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। जेबी खुद को आग में झोंक रही है, अगर कभी अहमर को पता चल गया तो जेबी के साथ बहुत बुरा होगा। वो जेबी से कहती है शादी से मना कर दो, मगर जेबी रुखसत होकर अहमद के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ सादिया पर खौफ हावी होता है कहीं उमैर उसे तलाक देकर घर से ना निकाल दे, अभी तक तो उसे सास ने बचाया होता है। वो दुआ करती है सब सच सामने आ जाए और वह तमाम इल्ज़ाम से बरी हो जाए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।